फ्रेंड्स, मैं सीमा। और आप सब कैसे हो? आज मैं आपको कटिंग से कैसे पुदीना ग्रो किया मैंने वो बताने वाली हूँ। ये ऐसे छोटी छोटी कटिंग लेके बस गमले में ही अंदर दबा दिया था, उससे ये लग गया है। और इसके यहाँ से मैंने छोटी छोटी ऐसे कटिंग ली थी, जैसे ये देखिए इतनी छोटी छोटी, मैं दो लेके बता रही हूँ आपको। ऐसे दो कटिंग लेके और ऊपर की गमले में लगाया है। ये देखिए, ये जो नीचे वाला अभी हम मैंने आपको दिखाया है, उसी में से छोटी छोटी सी कटिंग ला के मैं जैसे गमले के नीचे मिट्टी में थोड़ा सा करके यूँ दबा दिया था, कई एक यूँ मिट्टी से दबा दिया, छोटी छोटी सी कटिंग थोड़ा सा होल करके और उसके ऊपर मिट्टी से दबा दिया था। उसमें हल्का हल्का पानी डालिए। इससे देखिए ये मेरे कितने सारे पुदीने, ये देखिए लीफ देखिए इसकी कितनी बड़ी बड़ी सी लीफ हो रखी है। इसको नमी की ज़रूरत होती है, रोज़ पानी चाहिए। गमला बहुत तेज़ धूप में ना रखिए, पानी में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस गमला गीला रहना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ये हल्के फुल्के धूप में भी चल जाता है, दो तीन घंटे की। कितनी बड़ी बड़ी पत्ती हो रखी है, कितना घना हो गया है। और अब कि हम लोगों ने चटनी में जितना भी पुदीना यूज़ किया है, इसी से यूज़ किया है चटनी में और आम पनीर में, जिस चीज़ में भी ज़रूरत होती है इसमें इसको डाल देते हैं पुदीने को। इतना फ्रेश फ्रेश है, इसके पास भी आओ तो इतनी पुदीने जैसी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग भी छोटी छोटी सी कटिंग, इतनी इतनी कटिंग लेके बस मिट्टी में लगा दीजिए और पानी देते रहिए। देखिए कितना, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत जल्दी हो जाता है।